हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एबीसीडी सबको चैनल में। मेरा नाम है बशीराम मतकान, आया हूँ फिर से एक नई वीडियो लेकर। आज का वीडियो है फ्लास्कोक का उल्टा और सीधा कैसे समझे, यानी फ्लास्कोक अगर कंसील के अंदर हो तो अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो आप समझोगे ऐसा कि ये उल्टा फ्लास्कोक लग गया या फिर सीधा लग गया। तो उसके मैटर में है फ्लास्कोक और उल्टा और सीधा कैसे हम समझे, या फिर आपके पास फ्लास्कोक हो तो फ्लास्कोक नहीं, फ्लास्कोक अगर रहे तो आपके पास, उसमें एरो चिन्ह अगर ना रहे तो आप उसमें कैसे समझोगे जो फ्लास्कोक ये उल्टा किस साइड है और सीधा किस साइड है और कैसे इसे फिटिंग करें। तो उसके मैटर में है, मेरे फ्रेंड ने अच्छे से समझाए है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए, समझते रहिए, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको समझ में अच्छा से आ जाए। आज एक फिर से एक नए वीडियो के साथ आया हूँ आप लोगों के पास। ये आप एरो देख रहे हो, मार्किंग, ये लोगो, ये क्या चीज़ है आपको समझ में आया? ये फ्लास्कोक है, यानी बाथरूम में जो लगता है टब में, उस चीज़ के बारे में, वो चीज़ जो है आपको समझना पड़ेगा। इसमें दो स्टेप दिखाऊंगा, यानी ये फ्लास्कोक है, आप पहले देख लीजिए, ये फ्लास्कोक है। इसमें आपको दो वाला चीज़ दिखाऊंगा, एक कंसील में रहता है, कंसील हो गया यानी दीवार के अंदर फिटिंग हो गया, तो वो उल्टा है या सीधा है आप कैसे पकड़ोगे। कुछ दिन बाद अगर लगाने के बाद या जब चालू होता है तो पानी का आवाज़ आता है ना, गड़गड़ गड़गड़, या फिर फ्लास्कोक जब बंद करते हो झटका देता है ना, तो उस मैटर में बहुत सारे प्लम्बर बोलते हैं ना जो शायद ये फ्लास्कोक उल्टा है, आपको टाइल्स तोड़ना पड़ेगा। तो इसके मैटर में आपको समझा दूंगा। और एक मैटर है, अगर आपके पास ऐसे फ्लास्कोक आ गया जो फ्लास्कोक में एरो ना हो, यानी तीर, जो हम लोग सिंपल भाषा में बोलते हैं तीर, एक एरो रहता है ना दिखाने के लिए, इनलेट आउट इनलेट, उसके मैटर में ये देखिए इस फ्लास्कोक में नहीं है, इसलिए इस फ्लास्कोक को लाया हूँ आपको इजीली मैं समझा सकूँ, क्योंकि बहुत फ्लास्कोक में आता नहीं, और आपके पास इंसिडेंट ऐसा फ्लास्कोक आ गया तो आप कैसे फिटिंग करोगे उसे, इसलिए लाया हूँ। ओके, तो पहले मैं कंसील वाला आपको मैं समझा देता हूँ। ये कंसील वाला है, समझ लीजिए कंसील है। ओके, इस कंसील में आपका तो लग गया, आप कैसे समझोगे इसको ये है मतलब उल्टा है या सीधा है, आपको समझना पड़ेगा। ये वाशर आता है, ये स्प्लेंडर, और इधर एक नाट आता है, मालूम है ना, ये नाट है, इस नाट को आपको ढीला करना पड़ेगा पानी चालू रहते हुए, मतलब ज़्यादा भी नहीं, पूरा आप खोल लोगे नहीं, 50% ढीला लूज कर दो। ओके, और ये वाला स्प्लेंडर को टाइट करो, यानी इधर जो वाशर है वो चिपकना चाहिए। ओके, और ये वाला लूज होना चाहिए, लूज होएगा तो ये चिपकता रहेगा, और आपको कैसा समझना पड़ेगा जो ये चिपका हुआ है, ये अगर चिपका रहेगा तो आपका टब में पानी नहीं आएगा, चाहे फ्लास्कोक उल्टा हो या सीधा हो, अगर वाशर आपका चिपका रहेगा तो आपका टब में पानी नहीं गिरेगा, समझ में आ गया। और ये उल्टा रहेगा तो इधर चिपका है वाशर और इधर पानी आपका गिरने लगेगा, यानी ये वाला देखो मैं उल्टा एक फ्लास्कोक बनाया हूँ, ये वाला, ये जो फ्लास्कोक है ये उल्टा है, अगर आपका टैंक से पानी आ रहा है और इसमें देखो इधर जो है एक गिरावट नहीं है, ये आपका पूरा फैल रहा है, और ये आपका वाशर है, वाशर, और इधर नाट है, ये आप लूज किए, इधर से पानी आया ऐसे गिरा तुरंत निकलेगा, और ये वाशर है चिपका हुआ है टब में पानी नहीं आ रहा है, अगर आपका टब में पानी आ रहा है तो आपका फ्लास्कोक का वाशर भी लूज है, वो आपको पहले ये बंद करना पड़ेगा, इधर से ये करोगे बंद हो जाएगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं है, बंद करोगे ये वाशर टब इधर चिपक गया यानी पानी इसमें टब में पानी नहीं गिरेगा और इधर से टपकेगा, तो समझ लीजिएगा उल्टा है। और अगर इसमें आपको समझ में नहीं आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टैंक जो है, टैंक का वाल कोक जो है वो आपको बंद करना पड़ेगा, फिर आपको पूरा हेड निकालना पड़ेगा यानी स्प्लेंडर, वो निकाल के आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो फ्लास्कोक का वाशर जो दिख रहा है, इधर वाशर लगता है ना, इसके अंदर आपको उंगली नहीं ले जाना है, इसके बाहर से आप ऐसे उंगली घुसाओगे इधर उंगली आएगा, यानी ये फ्लास्कोक में मैं आपको सिंपल दिखा रहा हूँ, ये देखिए उंगली आ रहा है ना, यानी मैं इसमें घुसा रहा हूँ उंगली आ रहा है, तो ये आउटलेट है यानी इधर से पानी जाएगा टब में। ओके, और इधर ऐसे मारोगे ना, मतलब इसके होल के अंदर बिल्कुल नहीं, इसी में से ऐसे मारोगे, होल के अंदर उंगली घुसाना ही नहीं है, इधर से मारोगे इधर आपका उंगली टकराएगा, मतलब होल नहीं दिखेगा आपको, तो समझ लीजिएगा इधर से पानी आना चाहिए, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये देख लीजिए मैं फ्लास्कोक में एक बार दिखा दे रहा हूँ आपको, ये देख लीजिए उंगली आ रहा है ना, मतलब ये पानी इधर से निकलेगा, यानी ऊपर से आ रहा है ये नीचे से जा रहा है। ओके, ये देख लीजिए इधर मेरा उंगली दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, टकरा रहा है, तो ये इनलेट है, मतलब इधर से पानी घुसेगा और इधर से निकलेगा। ओके, आपको समझ में आ गया, चलिए चलिए दूसरा वाला टॉपिक आपको समझाता हूँ, जो वाले में मतलब जो फ्लास्कोक में आपका एरो नहीं है, यानी तीर इजीली भाषा में जो बोलते हैं वो नहीं है, वो आपको फिटिंग करना है, तो वो आप कैसे करोगे उसको समझाता हूँ। ये देख लीजिए इसी फ्लास्कोक में मैं आपको समझाऊंगा, ये आप फ्लास्कोक देख रहे हो, इधर वाशर आता है, एक साइड से आप देखोगे वाशर दिखेगा और एक साइड से देखोगे
वाशर दिखेगा नहीं। अगर इस साइड से वाशर दिखा, जिस साइड से वाशर दिखा वो वाला आउटलेट है, यानी इधर से ही दिखेगा। ये मेरा उंगली, मैं सिंपली आपको इसमें भी दिखा देता हूँ, ये मेरा उंगली है, यानी ये देख लीजिए उंगली, वाशर इधर ही रहेगा, वाशर इस होल के बाहर तो नहीं जाएगा, उंगली मतलब वाशर इतना दूर तक आएगा, तो उतना दूर तक ही मैं रखता हूँ। ये देख लीजिए उंगली इधर से दिख रहा है, मतलब ये आउटलेट है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है ना, तो ये इनलेट है, यानी इधर से पानी जाएगा और इधर निकलेगा, ये आउटलेट ये इनलेट, ये देख लीजिए ऐसा रहेगा। ओके समझ में आ रहा है आपको, यानी जिस साइड से आपका वाशर दिखता हो वो आउटलेट है और जिस साइड से ना दिखता हो वो इनलेट है, बस इजीली है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और कमेंट करके भी आप बता सकते हो वीडियो कैसा है, और कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कर दीजिए, उसका सवाल का जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ हमेशा। और हाँ, अगर हमारे चैनल में आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारा वीडियो आप सबसे पहले देख पाए और सीख पाए, और कुछ हमें भी आप सिखाए, ऐसा नहीं कि जो मैं सिर्फ आपको सिखाऊंगा आप भी मुझे बहुत कुछ सीख पाओगे। और चलिए फिर दूसरे वीडियो में मैं मिलता हूँ। हाँ, और एक बात है, अगर आप सिंगल लेवर डायबिटर से बॉडी जेड सिस्टम कैसे करोगे, हाउ टू जेड सिस्टम फ्रॉम सिंगल लेवर डायबिटर कैसे करोगे आप, उसके मैटर में आपके लेफ्ट साइड में आ रहा है एक वीडियो, देख लीजिए उस वीडियो को आप क्लिक करिए, आप देख सकते हो सिंगल लेवर डायबिटर कैसे करो, बॉडी जेड सिस्टम में कैसे करोगे, वो आप देख लीजिए बस, और कुछ नहीं। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, खुश रहिए, तब तक के लिए गुड बाय।